चाहे मजदूर हो, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। सरकार 3 वर्ष तक सरकार ने कोरोना संकट के दौरान जो काम किया वो सबने देखा। कोई भूखा नहीं सोएगा, हर जगह सूखा राशन पहुंचा, भोजन पहुंचा, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोएगा, चाहे पूरा खजाना खाली हो जाए, सीएम ने कहा। लेकिन एक भी व्यक्ति इलाज के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं रखी। हमारी तरफ से कोरोना को लेकर भी आज प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया कितने में। नमस्कार जनतेमें, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम राजस्थान कैबिनेट के फैसलों को लेकर के बात करेंगे। संविदा कर्मियों की लगातार मांग रही है कि उन्हें नियमित किया जाए या कोई गवर्नमेंट रूल्स बनाए, लेकिन अब सरकार ने कैबिनेट में पारित किया है और ये होगा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021, जिसका अनुमोदन किया गया है। आने वाले दिनों में यह बिल शायद कैबिनेट से पास होने के बाद में असेंबली में आ सकता है, लेकिन अगर ये नियम बनने के बाद में क्या इसका दायरा होगा, क्या वास्तव में उस रूल से वो बेनिफिट मिल पाएगा जो पहले से जो लोग आंदोलन के राह पे हैं या लगातार मांग कर रहे हैं। और पहली बार ये दावा नहीं किया जा रहा, इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार बैठकें की, एक कमेटी बना दी 4 मंत्रियों की, अभी भी कल्ला साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनी हुई है, लेकिन अब कितना सॉल्यूशन हो पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए, हमारे साथ कर्मचारी नेता गजेंद्र राठौड़ साहब जुड़े हुए हैं, मदन राठौड़ साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। गजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार ने जो एक्ट की पहल की है कि एक नियम बना रहे हैं, क्या उससे कोई रास्ता निकल पाएगा? निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार ने जो आज संविदा कर्मचारियों के लिए निर्णय किया, परंतु राज्य सरकार ने यह तय नहीं किया कि संविदा के कर्मचारी कौन से मानते हैं। कुछ लोग जैसे SMS में निविदा के कर्मचारी है जिनको डायरेक्टली तनख्वाह तक नहीं मिलती, जनता जल योजना के कर्मचारी है उनको डायरेक्ट सैलरी मिलती है खाते में, और जो आंगनबाड़ी के कर्मचारी है उनको स्थायी संविदा पे मानते हैं या नहीं मानते हैं, होमगार्ड के कर्मचारी है उनको किस तरीके से मानते हैं, तो ये कई भ्रांतियां हैं। तो इन्होंने ये क्लियरिफिकेशन नहीं किया कि संविदा के कर्मचारी है कौन। मैं माननीय जो सरकार के प्रतिनिधि हैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में संविदा के कर्मचारी कितने हैं और किस किस को आप संविदा पे ले रहे हैं, ये सारी चीजें ये क्लियर करेंगे तो मैं समझता हूँ इस जो आज ये कैबिनेट में निर्णय हुआ इसका जो है फायदा संविदा के कर्मचारी होगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार जो पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में इन्होंने लिया था कि संविदा के कर्मचारियों के लिए कुछ स्थायी करने की जो व्यवस्था की जाएगी, और उन व्यवस्थाओं को अभी तक कमेटी बनी हुई थी परंतु उसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया। आज जो निर्णय लिया तो इसमें किस प्रकार से राज्य के कर्मचारियों के अनुरूप इनको सुविधाएं और लाभ देंगे इसके बारे में ये थोड़ा क्लियर करेंगे तो मैं समझता हूँ राजस्थान की संविदा की जो 3.5 लाख कर्मचारी हम मानते हैं, NRHM के है, MNDY के हैं और कृषि मित्र है, प्रेरक है, विद्यार्थी मित्र है, पंचायत सहायक है, तो इन लोगों को कहां तक न्याय मिलेगा इसके बारे में ये क्लियर करेंगे तो मैं समझता हूँ राजस्थान के जो ये मंत्रिमंडल का जो निर्णय इसका फायदा पूरे संविदा के कर्मचारियों को मिलेगा। राजेंद्र जी, सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा निर्णय, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, अब तक जो संविदा कर्मियों का किस नाम से किस पदनाम से जाना जाएगा वो बहुत ही भ्रम की स्थितियां बनी हुई थी, उसके लिए एक रास्ता प्रशस्त होगा और सरकार ने उसमें कदम बढ़ाए हैं, सरकार की इच्छा थी वैसे काम किया, आपके मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया हुआ था। लेकिन गजेंद्र जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि आप मानेंगे किसको, ये लाभ मिलेगा किसको? 3.5 लाख लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं अपने पदनाम की। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो आज की कैबिनेट के अंदर राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो वास्तव में स्वागत योग्य कदम है, और हमारे घोषणा पत्र के अंदर संविदा कर्मियों से जो वादा किया गया था उनकी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और इस पहल का सभी तरफ से स्वागत किया जाना चाहिए।
और जैसा कर्मचारी नेताजी ने इस बात को स्वागत किया है तो हम उनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, स्वागत के साथ उन्होंने पूछा है कि इसकी क्लियरिटी क्या है, लाभ किसको मिल पाएगा। इसमें योगेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संविदा कर्मी है उसके लिए जैसे जो मंत्रिमंडल सदस्यों की जो कमेटी गठित की हुई है उसके सामने ये मामला पूरी तरीके से विचाराधीन है। आदरणीय कला जी के सामने ये कला जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी हुई है और वो पूरे के पूरे इसके तकनीकी पहलू जो भी है उन पर विचार कर रही है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज के अखबारों ने और तमाम तरीके की जो बातें हैं उसमें 501 में से 371 वादे, लगभग 75% वादे इस सरकार ने पूरे किए हैं। तो इस बात के लिए मतलब सरकार की और जो सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं 19 तारीख को, तो उसके बाद में लगातार 3 दिन तक हमारी सरकार के जो मंत्री हैं अपने अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे। राजस्थान सरकार की जो योजना है उनकी धरातल पर पहुंच कैसे हो इस बात के लिए पूरा का पूरा एक 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम के तहत जनता के लिए हम जवाबदेह हैं, इस बात की हम पूरी तरीके से अपनी सराहना नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और हम अपने वादों को अधिक से अधिक संख्या में पूरा कर सके। जी राठौर साहब जी, आप पे आरोप यह लग रहा था कि 5 साल तक सरकार ने उलझाए रखा, कोई दिशा तय नहीं कर पाई, और अगर वहां कोई कदम अगर बढ़ाया होता, हमने स्टडी की है कि पूर्ववर्ती सरकार ने कोई भी अगर इस पर एक्सरसाइज करती तो हम उसको शायद आगे बढ़ा पाते, लेकिन कुछ नहीं किया, केवल मीटिंगों की उलझन में उलझाए रखा इस मामले को। अब एक नई दिशा इस मुद्दे को मिल पाएगी ताकि जो संविदा कर्मी है वो अपने पदनाम को लेकर के भटक रहे हैं उन्हें एक दिशा तय हो पाएगी, ये सरकार का दावा है। देखिए, राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने तो इस दिशा में काम किया था और उसने तो नियुक्तियां भी दी थी। ये जो टीचर्स को लगाया था उनको पंचायतों में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में जो हमने वो लगाए थे ग्राम सेवक के रूप में, वो सब हमने किया था। लेकिन ये बीडी कला साहब की जो कमेटी है 3 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है, कुछ भी नहीं कर पाई, 3 साल इन्होंने खराब कर दिए। और अब भी जो दिया है वो नियम बनाने की जो शक्तियां दी है, नियम बनाने का जो काम करेंगे, ये अब कब तक इनका नियम बनाने का काम पूरा होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। ठीक कह रहे थे अभी गजेंद्र जी राठौड़, वो ठीक कह रहे थे कि किसको, यानी ये पदनाम भी तय नहीं किया इन्होंने कि किसको ये नियुक्ति देने वाले हैं। यानी 3.5 लाख कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, इनको कब लेना था, कितना लेना था, लिया नहीं। अभी इनके कैंप चल रहे हैं, ये इनको 1 साल पहले ही दिए संविदा कर्मियों को और कुछ कर देते तो इनके कैंपों में इनको लाभ नहीं मिल जाता। लेकिन ये कैंप भी इनके नकारा हो गए, बेकार हो गए, क्योंकि वहां पर कर्मचारी भी नहीं है, काम करने वाले लोग भी नहीं है। अरे आप कुछ कर लेते फिर कैंप करते, क्या जल्दबाजी थी इनको, वाह भाई लूटने के लिए कैंप कर दिए। यदि इससे पहले ये सब कर लेते और ये कल्ला साहब की ये कमेटी 1 साल पहले कोई घोषणा कर देती, नियम बना लेती, कुछ भी कर लेती तो आज इनको लाभ मिल जाता। अभी तक इनको लाभ मिलने की कोई संभावनाएं नहीं है और अभी ये 1 साल और घसीट लेंगे इसमें और उसके बाद तो कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि अंतिम समय में किए हुए काम की क्या होती है, ये स्थितियां अपन सब जानते हैं। इनको ये सब नियम बना अभी लेना, 2 साल बाकी है, करने वाला हो तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या कर सकते हैं ये, अभी देखिए ना 3 साल तक तो लेकर के बैठे रहे, किया नहीं, अब ये करना चाहेंगे, मैं कह रहा हूं ये कुछ नहीं, लॉलीपॉप है इसके अलावा। जी तो भरोसा नहीं लग रहा है मदन राठौड़ साहब को। राजेंद्र जी, सुना भी आपने राठौड़ साहब को कि लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं और उन लोगों को केवल बस ये गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं हासिल होने वाला। योगेंद्र जी, मदन जी, राठौड़ साहब यही पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उठा के पढ़ ले, इनको पता चल जाएगा 501 में से 371 वादे सरकार ने पूरे कर दिए हैं और बचे हुए वादों में भी जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। इनको अगर इतना ही मैनिफेस्टो की बात करने का शौक है तो इनको अपने केंद्र सरकार के मैनिफेस्टो पे बात करनी चाहिए, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था और किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उसकी म्याद भी खत्म होने वाली है। आप तो रहे हैं जी, यहाँ ये कर सकते हैं कि एक आप विषय पर आइए, चलो फिलहाल हम संविदा कर्मियों पे बात करें, फिलहाल हम संविदा कर्मियों पे बात करें, किसने क्या सरकार अच्छा काम कर रही है और केंद्र की सरकार जो अच्छा काम नहीं कर रही है उसके लिए राजस्थान के हितों की बात करें। 25 सांसद जो जीत के गए उनको राजस्थान के हितों की बात करनी चाहिए, चाहे आप कहां की बात ला रहे हो, क्या किया ये तो मैं बता दूंगा, क्या किया ये भी बता देंगे। आप अभी जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर तो बात करो,
सिर्फ और उसी पर बात करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियां यदि चलाना शुरू करूंगा तो विषय दूसरा हो जाएगा। चिपकाते हैं पोस्टर लगाकर और एक गुटबाजी फैलाते हैं, राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, भाजपा पूरी तरीके से वो कोई बात नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी उसका तो बेनिफिट है आपको, अगर विपक्ष नहीं है तो बहुत फायदा है आपको, कोई घेरने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तो इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि मुद्दे पे तो लौटिए, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे अपन मुद्दे पे बात करें, मुद्दे पे आओ। पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा हम बात संविधान कर्मियों पे कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे कि कैबिनेट की जो फैसले हैं की सरकार भी ऐसा ही कर रही है। गहलोत सरकार ने नियमितीकरण के सरलीकरण की बात कही है, जो चारागाह की जमीनें हैं उसको लेकर के, बसी जो सघन आबादी है उसके नियमितीकरण को लेकर के नीति का अनुमोदन किया है। कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं, 1500 मेगावाट सोलर पार्क जैसलमेर में जो बनेगा उसका मार्ग प्रशस्त किया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो और फैसले। लेकिन बात संविदा कर्मियों की, क्योंकि 3.5 लाख लोगों से जुड़ा ये मुद्दा है, मैं गजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार फिर, क्या लगता है आपको कि के बाद में, देखिए डिटेल अभी किसी को पता नहीं है कि जब पूरी चीजें सामने आएंगी कि क्या रूट लाइन होगी, किनको माना जाएगा इसमें, तब मुझे लगता है कि आपकी जो जिज्ञासा है, आपका जो सवाल है उसका जवाब शायद तब मिल पाए। लेकिन क्या लगता है कि उस दिशा में काम बढ़ रहा है सरकार का? निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के मैनिफेस्टो में इन्होंने लिया था संविदा के कर्मचारियों को नियमित करेंगे और राज्य के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करेंगे। मैं सिर्फ कर्मचारी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए संविदा के कर्मचारी लगभग सारे, तो उन लोगों की आज हमने कोर्ट के माध्यम से जनता दल योजना के कर्मचारियों को 6,700 रुपए करवाए, जबकि सरकार की तरफ से ये ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ जब भी बजट आता है तो संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। मैं आशा करता हूं कि आने वाले बजट में राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को, और इनको ना एक क्रिएट ही किया जाए कि ये संविदा के कर्मचारी है। कुछ लोगों को आपको मैंने पहले ही बताया था सीधे भुगतान हो रहा है, कुछ को निविदा से भुगतान हो रहा है, उनको भी बोनस अंक देवें और जो आगामी भर्तियों में भी इनको लाभ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी संविदा पे लगता है या निविदा पे, राज्य सरकार के उपक्रमों में लगता, राज्य सरकार के विभागों में लगता है, तो निश्चित तौर पे उसे आशाएं होती है कि आने वाले समय में वो राज्य का कर्मचारी बनेगा और उसको पूर्ण लाभ मिलेगा। उसके बावजूद भी इन सरकारों की ढुलमुल रवैये के कारण लोग 94 से JJY में लोग लगे हुए, होमगार्ड के लोग लगे हुए हैं, उनके साथ ना तो उनको कोई सुविधाएं दी जा रही है और उन्हें सिर्फ ये कह के टाल दिया जाता है कि ये 4 घंटे की काम करते हैं, जैसे आंगनबाड़ी के कर्मचारी है, प्रत्येक जो एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके उनके सेवा सुरक्षा की गारंटी आंगनबाड़ी के, उनके साथ क्या होता है कि उन्हें कभी चुनाव में लगाया जाता है, कभी मतगणना में लगा दिया जाता है, कभी BLO के साथ लगा दिया जाता है, जबकि उनको मानदेय के नाम पे क्या दिया जाता है, ये सारी चीजें है। अब दूसरा जैसे पंचायत सहायक लगे हुए राजस्थान में 26,000 से 28,000 के लगभग पंचायत सहायक है, उनके साथ उनको लगा दिया, उन्हें विद्यार्थी मित्र से पंचायत सहायक लगा दिया, कार्य उनका क्या ये उन्होंने निश्चित नहीं किया, आने वाले समय में उनका भविष्य का ये, लेकिन ये मान सकते हैं गजेंद्र जी, ये मान सकते हैं कि सरकार की नोटिस में सारी चीजें हों, कला कमेटी ने अपनी रिपोर्टें दी हो, क्यों पिछले दिनों कहा गया था कि कला समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, तो ये लगता है कि शायद हो सकता है कुछ नियम बने अब नहीं उनके बारे में, उन्हें क्लियर तो हो कम से कम, लोग आप कमेटी में रख रहे हैं, आप कैबिनेट मेमो बना रहे हैं, परंतु उन लोगों को भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा साथ न्याय हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी शहीद स्मारक पे पैरा टीचर है जो पिछले कई सालों से जिनमें से 28,000-30,000 थे 26,000 प्रबोधक बन गए, बाकी के 4,500 पैरा टीचर आज भी धरना पे बैठे हैं, मदरसा पैरा टीचर हो चाहे लोक जुम्बेश के हो चाहे प्रेरक हो, प्रेरकों को तो घर ही बिठा दिया इन्होंने। और दूसरा जो है MNDY के कर्मचारी, इन सरकार को ये देखना चाहिए कि पिछली सरकार ने उनके साथ इतने केस किए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था अपनी मांगों के लिए, अब इस सरकार ने उनको वादा किया था कि हम आते ही आपके साथ न्याय करेंगे, उनका आज तक पुलिस केस तक नहीं हटाए। राज्य सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए, ये अच्छे काम को कर सकते हैं, जैसे सरकार बदलती है पुराने जो भी कार्य किए हुए उनको अच्छे या बुरे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बदलते हैं। तो पिछली सरकार के समय उन लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना किया अपनी मांगों को लेकर। चलिए समय कम है गजेंद्र जी, समय कम है। राजेंद्र आर्य जी, राजेंद्र आर्य जी कुछ कह रहे हैं अभी आप।
योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मियों को कोरोना काल का वेतन दिया गया है, उसके साथ में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें भी उनको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क रूप से किया गया। तो सरकार ने हमेशा से संविदा कर्मियों को अपनी प्रायोरिटी में रखा है, और ये आपको पता होगा कि मानदेय भी सरकार ने बनने के बाद में लगातार बढ़ाया है। योजना में तो आप सभी का हेल्थ कार्ड बना रहे हो, चिरंजीवी योजना में तो आप सभी का बना रहे हो हेल्थ कार्ड, बाकी आमजन को 850 है उनको फ्री में है, उनको फ्री में है, वो जो एनएफएस वाले लोग हैं उनके साथ में है, तो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। लिए हो रहा है उनके लिए विशेष अलग से नहीं कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी को सरकार के संज्ञान में, चाहे मदरसा पैरा टीचर्स की बात हो चाहे उनकी बात हो, तो सबके सरकार के संज्ञान में है, और सरकार बहुत ही जल्दी से जल्दी तैयार है, कर्मचारियों को चाहे संविदा कर्मचारी हो उनको भी जो नियमित कर्मचारी अपॉइंटमेंट टू सिविल रूल्स जो 21 जारी किया उसमें ये सब नहीं है जो आप बोल रहे हैं, अनजस्टिफाइड जी गजेंद्र जी, उसमें नहीं है जो कटौती की जा रही है उसके ऊपर आप थोड़ा सा बोल दें, क्योंकि संविदा और कर्मचारी आपस में, क्योंकि वो संविदा वाले भी इसी लाइन में वो कर्मचारी बनेंगे, उनके साथ तो शोषण होता ही होता है, कर्मचारियों के साथ भी शोषण है, क्योंकि 6 से 8 हजार रुपए प्रत्येक कर्मचारी को तनख्वाह में से कम है, और पिछली सरकार ने कम किए उस टाइम लागू नहीं हुए, इस सरकार आते लागू हो गए, तो हम चाहते इसी सरकार की फायदा लिया हुआ है आपकी सरकार। मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव में तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, खैर अपना अपना दावा है, लेकिन संविदा कर्मियों को सरकार अगर राह देगी तो मुझे लगता है कि बड़ा काम होगा, क्योंकि साफ सरकार का कहना है कि हम एक्ट बनाने जा रहे हैं, और जैसे जैसे आवश्यकता होगी उन लोगों को, वैसे अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है कि रूल्स तो बन रहे हैं लेकिन कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा, कौन इस कैटेगरी में होगा, क्या इनको बेनिफिट मिलेगा, ये डिटेल आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बन जाएंगे, बन भी कब तक जाएंगे, कंप्लीट कब तक हो जाएंगे, कब से रात शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं है इनके टाइम बाउंड प्रोग्राम, कुछ भी नहीं है, पकड़ा दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के सरकार अपने अपने दावे हैं, खैर अगर सरकार इसमें राहत देती है तो एक बड़ा बेनिफिट ये कहूं नहीं, ये एक बात मैं कह रहा हूं कि हर परिवार का एक व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो उस परिवार के रूप में उसे एक वटवृक्ष के रूप में देखते हैं कि चलिए घर का खर्चा इससे चल जाएगा, तो अगर ऐसा होगा तो एक बड़ी उम्मीद की जो किरणें हैं वो लोगों की पूरी होंगी, और जो कैबिनेट के फैसले हैं वो आप देख रहे होंगे, चारागाह भूमि की बात हो या जमीन अलॉटमेंट की भूमि की बात करें, योगेंद्र जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, समय कम है ऑलरेडी हम 3 मिनट ऊपर जा चुके हैं, चारागाह का काम भी ये पहले कर लेते तो पट्टा, अभी कैंप चल रहे हैं वो कैंप सफल हो जाते इनके, सेकंड फेज के लिए इसी वजह से किया हो, कुछ हर्डल्स थी उसे दूर करने की सरकार की नियत ये रही हो, इसी वजह से भी किया हो, तो चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़ी खबर लेते तो उसका भी लाभ मिल जाता।